बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम सीटी यानी सर्टिफाइड टीचर की पास पेपर शुरू करेंगे। तो ये पेपर 2019 में एटा की जानिब से लिया गया था और इस कंप्लीट पेपर को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मज़ीद जो दो पार्ट्स हैं उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग मेरी इस वीडियो का जो नाम है, टाइटल है, उस पर क्लिक कर सकते हो और नीचे मज़ीद जो दो वीडियोस हैं उनका वो आप लोग देख सकते हो। जी नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ़ अ कॉइन इज़ फ्लिपड देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड इज़, यानी अगर एक सिक्के को, कॉइन को हम उछाल दें हवा में तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड कितनी दफ़ा आएगा, तो 50-50 चांस है, तो 1/2 ये इसका सही जवाब है। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर पर है, तो डी ऑप्शन सही है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिड्यूस द प्राइस टू ₹100, यानी अगर एक शय की कीमत में 20% डिस्काउंट कर दी जाए और उसकी कीमत ₹100 हो जाए तो उसकी असल कीमत क्या होगी, तो ये 125 इसका सही जवाब है, यानी पहले उसकी कीमत 125 थी। विच फ्राम द फॉलिंग इज़ नॉट एमंग द फाइव सेंसेस, तो इसमें जो ताट है, डी ऑप्शन ये सही है। कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंटेज, तो 2/5 को हम 100 के साथ ज़रब देंगे, तो 20/500 यानी 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 × 2 = 40, तो सही जवाब यहाँ पे ए ऑप्शन है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड, तो उसको हम मास नंबर कहते हैं, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, तो यहाँ पे बाय योर वॉच, बी ऑप्शन सही है। वाज अ मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, तो हैदर अली वाज अ मुस्लिम कमांडर, बी ऑप्शन सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़, तो 1.5 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द हाउसेज एट मोहनजोदड़ो वर मेड ऑफ, तो यहाँ पे जो फायर ब्रिक्स है इससे बने थे, मोहनजोदड़ो के जो हाउस थे, तो ए ऑप्शन सही है। ही कैन नाट बी एक्सक्यूज फॉर हिज इनकम्पिटेंस, तो डी ऑप्शन सही है। एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो यहाँ पे अबाउट, एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो सी ऑप्शन सही है। वी हैव टू एक्सपीडाइट आउट एफर्ट्स इन स्टडीज इन आर्डर फुली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो यहाँ पे एक्सपीडाइट के क्या मानी है, एक्सपीडाइट के मानी है तेज़ करना, तो एक्सेलरेट यहाँ पे सही जवाब है, बी ऑप्शन। ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स केम टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे मिलियंस यानी सी ऑप्शन सही है, मिलियन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट केम टू पाकिस्तान। एम्फीबियन हैव थ्री चैम्बर हार्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। द पीपल ऑफ वर पीसफुल फार्मर इंडस वैली पीपल, तो ए ऑप्शन सही है।
the rich should not look down upon the poor, तो बी ऑप्शन सही है. The most electronegative element of the periodic table is, तो fluorine जो है बी ऑप्शन सही है. She said, what a lovely dress it is. Choose indirect speech. She exclaimed that it was a lovely dress. तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही है. The phrase to have your hands full expresses तो to have too many things to do, यानी बहुत सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे इसके मानी ये है बी ऑप्शन सही है. द टीचर सेड आम ना वॉच योर स्टेप्स. चूज इन डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे जो है द टीचर्स आर्डर आमना टू वॉच हर स्टेप, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही है. एस पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, तो यहाँ पे स्पीड है ए ऑप्शन. ऑफ द फॉलिंग फ्रैक्शन विच हैज़ द लीस्ट वैल्यू, तो 7/9 इसका सही जवाब है. पिन वारम इज अराउंड वारम, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है. इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज, इन जिसे हम SAARC कहते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सी ऑप्शन सही है. इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x^2 प्लस आर एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 4 देन r इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, 5 आता है. प्रीफरेंस आर आल्सो नाउन एज, तो स्पंजेस उसे हम भी कहते हैं, ए ऑप्शन सही है. इफ 1/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 4 देन 1/4 ऑफ द नंबर इज, तो यहाँ पे 7 इसका जवाब आता है. अगर हम इसको हल कर दें तो सी ऑप्शन सही है. दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, फाइंड ग्रामेटिकली एरर, तो इसमें नो एरर यानी इसमें कोई गलती नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है. रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को एग्जिस्ट एट, तो इसमें जो सी ऑप्शन है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सी ऑप्शन सही है. जी नाज़रीन, तो ये आज का फर्स्ट पार्ट था जो कि कंप्लीट हुआ.